ओके बच्चों, हमने कल तक पढ़ा था, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देख रहे थे। चैप्टर वन हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का। ठीक है बेटा, इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में और नोट्स टू अकाउंट बनता है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में चार हेडिंग्स होते हैं। उसमें शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ये चार मेन हेडिंग्स होती है। इन चारों हेडिंग्स के अंदर हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ ली शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड, अगेन शेयर वारंट आता था, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सब मैंने यहाँ सामने शो कर रखी है। अभी भी किसी बच्चे ने अगर नहीं किया हो कर का कोई लेसन, अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो एक बार आप लोग अपना एसेस ले लीजिए। मैं हटा देता हूँ, पेज नंबर वन पे ये पूरा चलेगा लाइबिलिटी वाला पार्ट, पेज नंबर टू पे आपकी बुक के, आपकी कॉपी के असेट वाला पार्ट चलेगा, और पेज नंबर थ्री से ये नोट्स टू अकाउंट चलेंगे। ठीक है, और भी मैं इसका पूरा जो फॉर्मेट है ना, वो सब मैं आपको एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा, आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, तब आप आराम से देख पाएंगे। अब हम लोग आज आगे आते हैं बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी वाला हिस्सा। जो नॉन करंट लाइबिलिटी है उसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग थर्ड वाली हेडिंग की बात करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी तक आप देखेंगे हमारा फर्स्ट और सेकेंड दो वर्किंग नोट्स हो चुके हैं, दो नोट्स टू अकाउंट हो चुके हैं। अब है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज। इस नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी हेडिंग्स आती है, मैं इसको हटा देता हूँ। सारे रिजर्व्स के बारे में हम लोगों ने कल सुना था, पढ़ा था, देखा था। अब देखिएगा बच्चा, अब हम लोग लाते हैं आपका जो तीसरे नंबर का नोट्स टू अकाउंट आएगा उसे। और आपको पहले मैं बता दूं कि नॉन करंट लाइबिलिटी में कितनी सब हेडिंग्स होती है। तो बेटा आप देखिएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में आ गया अगेन फोर सब हेडिंग्स है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ए पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बी है इसमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, सी पार्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और डी पार्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखिएगा बच्चा, नॉन करंट लाइबिलिटी में जो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला हिस्सा है, इसे हम लोग तीन नंबर के नोट से रेफर करेंगे, और इसमें तीन नंबर में आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें सिक्स आइटम्स आएंगे, क्या आएंगे जरा देखिएगा। वेट करना बच्चों ना, मुझे एग्जैक्टली उसके सीक्वेंस तो ध्यान नहीं है, बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी, फिर बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टी, एक एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी आपको समझ आ जाएगी, पब्लिक डिपॉजिट, और लास्ट इज अदर लोन इन एडवांस। देखिए जी, सिक्स आइटम्स हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज को समझ लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, मतलब एक साल के बाद जिसका आपको पेमेंट करना है उसे आप कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ करना है उसे करंट लाइबिलिटी कहा जाएगा, जो कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाली हेडिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटी में चार सब हेडिंग्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये चार सब हेडिंग्स हैं। इसमें भी पहला
पहला जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसका मतलब है जिन व्यक्तियों से हमने पैसा लिया है उधार, बोरो किया है, और जिसको आपको 12 महीने के बाद पैसा चुकाना है। तो ऐसे कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखिए अगर कंपनी ने पैसा डिबेंचर्स इशू करके रेज किया है, तो डिबेंचर होल्डर को पैसा जनरली कंपनी 2 या 3 साल के बाद ही पेमेंट करती है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हिस्सा हो गया। बॉन्ड्स अगर कंपनी ने इशू किए हैं, बॉन्ड्स भी डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं, उसके ऊपर भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट कंपनी पे करती है बॉन्ड होल्डर्स को। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ने बैंक से अगर आपने कोई टर्म लोन लिया है 2 साल 5 साल, टर्म मतलब किसी 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्म लोन। तो बैंक से अगर टर्म लोन लिया है, या अदर पार्टी कोई प्राइवेट फाइनेंसर से आपने कोई लोन लिया है, तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग का हिस्सा होगा। एक है पब्लिक डिपोजिट, कंपनी ने अगर पब्लिक से डिपोजिट एक्सेप्ट की है, बेटा कंपनी पब्लिक को ये कह सकती है कि आप हमारे पास अपना पैसा जमा करा सकते हैं, जो आप बैंक में करवाते हो वैसा आप कंपनी में भी जमा करवा सकते हो। इसके ऊपर कंपनी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, ठीक है। इसके बाद है अदर लोन एडवांस, इसके अलावा कोई और लोन और एडवांस हो जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना हो, तो वो किसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। तो ए वाला थर्ड वाला हेडिंग आपको कंप्लीट हो गया। डेफर टैक्स लाइबिलिटी के लिए कोई हेडिंग नहीं है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी को आप ऐसे ही सीख लीजिए। देखिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट, जैसे आपने टैक्स की लाइबिलिटी आपकी बन रही थी 1 लाख रुपए, समझ गए, और आपने इस साल पेमेंट किया केवल 70,000 का, 30,000 की लाइबिलिटी जो टैक्स की है वो आपने डेफर कर दी, आपने कहा कि भाई आगे वाले आने वाले साल में हम लोग पे करेंगे। तो ये किस वजह से होती है, इसमें भी डिफरेंस होता है, अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम कम अमाउंट शो कर रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो इनकम है वो ज्यादा आ रही है आपके, ठीक है। जो भी आप अपनी इनकम शो करते हो इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स के पास पहले से रिफ्लेक्ट होती है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए का आपका इनकम बन रहा है, 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 70,000 का आपका टैक्स बन रहा है, तो 30,000 रुपए का जो टैक्स का डिफरेंस है वो आप डेफर कर दोगे, आप उसको आगे वाले टाइम में पे करोगे, तो वो डेफर टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगी। डेफर टैक्स लाइबिलिटी इसको आपको शो नहीं करना है, जनरली ये आपके पास आएगा नहीं, ये वाला जो आइटम है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं इसके आगे क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। देन है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये वाला इसको हम लोग 4 नंबर के नोट्स रेफर करते हैं, और 4 नंबर के नोट में हम लोग अब बनाते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आता है। देखिएगा जी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में अपने पास आएगी हैं काफी सारी लाइबिलिटीज आएगी। एक तो अपने पास आएगा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जिसका पेमेंट आपको करना कब है, पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 12 मंथ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दूं, ट्रेड पेबल जनरली करंट लाइबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। बट होता क्या है कि अगर आपने मान लीजिए किसी से कोई मशीन खरीदी और मशीन के बदले में भी आपने पैसा दिया नहीं है, तो वो कहलाएगा क्रेडिटर फॉर मशीन। तो किसी असेट को खरीदने के बदले में अगर कोई लाइबिलिटी बाकी है तो वो कहलाएगी ट्रेड पेबल, और इसे शो करेंगे हम लोग अदर करंट लाइबिलिटी में, बिकॉज इस लाइबिलिटी का पेमेंट 12 महीने के बाद होगा, ठीक है। क्लियर होता है यहां तक? तो एक तो ट्रेड पेबल आ गया इसमें, और क्या आएगा देखिएगा, वेट करना वेट, एक है अदर, अदर मतलब यहां पे 2 तरीके की चीजें आएगी अदर में भी, जैसे सपोज अदर्स में हम लोग डाल देते हैं, एक तो है प्रीमियम, चलो मैं अदर्स हटा करके ना सीधा ही लिख देता हूं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन के टाइम पे पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बाद प्रेफरेंशियल्स। या चलो मैं यहीं पे लिख दूं क्या, इसको ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, आप समझ जाना, फालतू एग्जांपल्स क्यों बढ़ा लो, समझो बेटा। प्रीमियम जो है, अगर आपने रिडम्पशन डिबेंचर्स को रिडीम करने जा रहे हो, जब आप अपने डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करने जाओगे, और उस पे जो प्रीमियम पेबल होगा उसका पता आपको पहले ही चल जाएगा जब आपने डिबेंचर्स इशू किए। हमने पढ़ा था ना इशू ऑफ डिबेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, तो वहीं पे हम आपको बता देते थे कि रिडम्पशन इसका प्रीमियम पे होगा।
तो जिन डिवेंचर होल्डर पे, जिन डिवेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, वो हमारे लिए अदर करंट लाइबिलिटी होगी प्रीमियम वाला अमाउंट, बिकॉज ये प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 5 साल 4 साल के बाद चुकाना है, जब भी कभी वो डिवेंचर रिडीम होंगे, जनरली 4-5 साल के बाद ही डिवेंचर्स रिडीम होते हैं इसलिए। और ऐसी अगर आप प्रेफरेंशियल्स को भी रीपे करोगे उस टाइम भी अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो बेटा वो भी आपका अदर करंट लाइबिलिटी का हिस्सा बनेगा, जस्ट बिकॉज वो भी 3 से 4 साल 5 साल के बाद ही पेबल होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए अदर करंट लाइबिलिटी के, जिसको हमने 4 नंबर से रेफर किया। अब 5 नंबर में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है, एक बार फटाफट से आप इतना वो ले लीजिए, एसेस ले लीजिए, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे आ रहे हैं हम लोग। सर हाँ बेटा बोलो। सर बिल्स पेएबल भी 1 ईयर से ज्यादा के हो सकते हैं क्या? यस, वो इसलिए हो सकते हैं, ये जो मैं आपको ट्रेड पेबल वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये है आपने कोई असेट वगैरह बाय किया उसके बदले में। वैसे तो जनरली 3 मंथ का ही होता है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 3 मंथ से ज्यादा होता ही नहीं है अगर आप लीगली देखो तो। बट अगर मान लीजिए आपने कोई असेट खरीदा उसके बदले में आपने बिल लिख लिया 2 साल बाद 3 साल बाद की पेमेंट करने का, सामने वाले को श्योरिटी चाहिए थी। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कोई असेट खरीद के लाओगे तो आप उसका लोन वगैरह ही करवाओगे, आई बस समझ में, तो इस तरीके से पेबल होता है। यहाँ पे ट्रेड पेबल में दोनों चीजें इंक्लूड ना करके जनरली क्रेडिटर ही इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स ही आते हैं, बट ट्रेड पेबल में हम लोग बिल्स पेबल भी लिख देते हैं, बिकॉज कभी कभी लिखा जाता है कि 1 साल से ज्यादा के लिए भी आप बिल लिख दो, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज प्रैक्टिकली तो 3 महीने से ज्यादा का बिल होता भी नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। लिख लिया होगा बच्चों अभी तक आपने। थोड़ा सा हटा दें इसको। चलिए जी, फोर्थ नंबर है आपका, फिफ्थ नंबर है प्रोविजंस के बारे में, है ना। प्रोविजंस कितने टाइप के होते हैं बेटा? प्रोविजंस अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें हम लोग जो प्रोविजंस लिखने वाले हैं फिफ्थ नंबर प्रोविजन 4, हम लोग यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे। एक वर्ड आता है प्रोविजन 4 गारंटी, वारंटी, गारंटी की जगह वारंटी लिखेंगे। प्रोविजन 4 ऑन लीव, प्रोविजन 4 ग्रेच्युटी, ठीक है, और फिर आता है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, फिर आता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, हमने लिख दिया बात एक ही है, और प्रोविजन ठीक है जी, बस इतने ही है इसमें। जनरली 4-5 हो गए इसमें। देखिए ऐसे प्रोविजंस जिनका जिनका यूज आज नहीं आकर के आज के 4 से 5 साल के बाद आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली ये 4 टाइप के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बोल दीजिए इसको। आप जनरली कोई प्रोडक्ट मार्केट से जब खरीद के आते हैं तो आपको वारंटी दी जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल की वारंटी दी जाती है। तो बेटा वो वारंटी को आप कब यूटिलाइज करते हैं? जिस दिन आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है तब। तो क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो कंपनी जनरली वारंटी के लिए आपको 3 साल 4 साल 5 साल, अगर आप फ्रिज लेने जाओगे तो 10 ईयर्स का कंप्रेसर का वारंटी आता है, तो आप तब उस वारंटी को यूज लेंगे जब आपका प्रोडक्ट खराब होगा। लेकिन कंपनी को तो जितने टाइम की उन्होंने वारंटी दिया है, से सपोज उनकी सैलरी है 10 लाख की, तो उनको वारंटी का क्लेम के लिए तो प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। किसी भी दिन कोई व्यक्ति उठ करके आ जाएगी हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया, बट हाँ ये एक प्रैक्टिस होती है, इसमें उनको पता रहता है कि यार 100 में से 10 लोग ही आएंगे, 100 में से 100 के 100 लोग नहीं आएंगे वारंटी क्लेम करने के लिए, और प्रोडक्ट खराब भी नहीं होता इतना। तो कंपनी अपने पास वारंटी का कुछ पैसा एज अ क्लेम रखती है, मतलब एज अ प्रोविजन रखती है, जब भी कभी कोई लोग कंपनी के पास आते हैं
और कंपनी को कह देंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट खराब हो गया। अब उस प्रोडक्ट में जो भी चीज चेंज होती है तो उसका कंपनी का कॉस्ट लगता है, कंपनी उसको उस प्रोविजन से एडजस्ट करती है। तो ये प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम होता है। एक होता है अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। अर्नड लीव का मतलब क्या है, कोई कुछ ऐसे एम्प्लॉयज है हमारे जो की जनरली अपनी ऑफ नहीं लेते हैं, जो उनको एक महीने के अंदर दो ऑफ मिलती है वो ऑफ नहीं लेते हैं, वो उस दिन भी आकर के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने जो उनको दो लीव्स दी हुई थी उन्होंने लीव पे भी काम किया। तो अर्न लीव का मतलब होता है ऐसी ऐसे दिन जिसपे छुट्टी थी लेकिन वो एम्प्लॉय ने आकर के काम किया, तो कंपनी को उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए उसने अलग से प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। फिर है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बेटा एक ऐसा बेनिफिट है जो कि आप कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, मिनिमम 5 years अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो उसके 5 years के बाद उसको ग्रेच्युटी का कुछ लमसम अमाउंट पैसा मिल देती है। लॉयल्टी की तरह मान लो कि आप लॉयल हो हमारी कंपनी के लिए, इसीलिए वो उसको ग्रेच्युटी का पैसा देती है। एक होता है रिटायरमेंट बेनिफिट, ये आपको पता होगा जब कभी कोई पर्सन रिटायर होता है कंपनी से, जनरली गवर्नमेंट में अगर आप देखते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे काफी अच्छा पैसा मिलता है, वो पेंशन फंड वगैरह का पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा मिलता है, जो कि उस एम्प्लॉय ने जब तक उस काम किया तब तक उसने सेव किया था। आई बात समझ में? तो ये 4 तरीके के प्रोविजंस आ गए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। ये नॉन करंट लाइबिलिटी वाला हेडिंग हमारा पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट से ऐसे लीजिए बच्चा। होगा चलते हैं बेटा आगे हम लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग पे। करंट लाइबिलिटी में सेम ऐसे ही 4 से 5 जो है वो क्या होते हैं, हेडिंग्स होती है। यहाँ पे 4th नंबर डाल देता हूँ करंट लाइबिलिटी। यह आ जाएगा लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर ट्रेड पेबल आ जाएगा इसमें, देखिए सिर्फ आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स को ही लर्न करना है बेटा। मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका कि इस पूरे चैप्टर में आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग्स ही पूछी जाएगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ट्रेडेबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज कर देते हैं इसको, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये 4 इसकी करंट लाइबिलिटी के अंदर ये 4 सब हेडिंग्स होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं एक एक लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या है, जनरली वो की सारी वही आती है। इसमें आप रेफर करेंगे शायद 5 नंबर के आपने बना लिए थे, 5 नंबर का नोट बनाया था लास्ट आपने, 6 बनाया था, 5th बनाया था, 6 नंबर पे 5 बनाया था ना, हाँ तो 6 नंबर है अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब ऐसी बोरिंग्स जो कंपनी ने ली है जिसका पेमेंट उसको 12 महीने के अंदर अंदर करना है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, यानी ऐसा लोन जिसका टाइम हो चुका है। सपोज आपने कोई 4 साल के लिए लोन लिया था तो 3 साल तक तो आप उसको शो करोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में। लेकिन जब 4th साल आएगा, क्योंकि उस साल में उस लोन का रीपेमेंट होना है, 1 साल के अंदर अंदर रीपे होना है 12 महीने के अंदर अंदर, तो उसे आप रखेंगे लोन पेबल ऑन डिमांड वाली एग्जाम्पल में, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाले सब हेडिंग में आप इसे शो करेंगे। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, बैंक से आप सीसी लिमिट लेते हैं ना, बताऊंगा अभी सब एक एक चीज को। लोन फ्रॉम अदर पार्टी, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये लास्ट की 3 चीजें तो वही है, और अदर लोन एडवांस। जिनका पेमेंट आपको कब करना है, विदिन 12 मंथ। देखिएगा बच्चा, लोन रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है, ऐसा लोन जिसका पेमेंट आपको इसी साल करना है। जैसे मान लीजिए 5 years के लिए आपने कोई लोन लिया था, 4 साल तक तो आप उसे शो करोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन जब वो 5वां साल आएगा तो आप उसे शो करेंगे
करंट लाइबिलिटी की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाली हेडिंग में लिखेंगे क्या, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये वाली चीज। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से अगर आपने पैसा एक्सेस निकाल रखा है, जितना आपका डिपॉजिट अमाउंट है उससे ज्यादा आपने निकाल रखा है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जनरली ये फैसिलिटी बिजनेस अकाउंट पे मिलती है, जिन भी बिजनेस का करंट अकाउंट होता है बैंक में उनको ये फैसिलिटी मिलती है। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने अगर सीसी लिमिट ले रखी है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बोलते हैं, सीसी लिमिट बोलते हैं, यानी आप एक लिमिट तक बैंक अपने बिजनेस जिनके पास अकाउंट होता है उन्हीं को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने पास अकाउंट में से 5 लाख 7 लाख या 10 लाख तक का कोई जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम लोग सीसी लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट भी कहते हैं। तो कैश क्रेडिट भी बोलो या सीसी लिमिट बोलो, बात एक ही है। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर आपने कैश क्रेडिट ले रखा है तो उसको आपका पेमेंट 1 ईयर के अंदर अंदर करना है। लोन फ्रॉम अदर पार्टी, अगर किसी अदर पार्टी से आपने लोन लिया जिसका पेमेंट आपको 12 महीने में करना है तो यहाँ आएगा। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट की है जिसका पेमेंट आपको 12 महीने में करना है तो यहाँ आएगा। 12 महीने से ज्यादा की बात करना है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा, 12 महीने के अंदर करना है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। अदर लोन एडवांस जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर करना है, ये आपका 6 नंबर का है। ट्रेड पेबल में दो चीजें आएगी, ये ट्रेड वो ट्रेड पेबल है जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के लिए करना है। सीसी अकाउंट मतलब बैंक से सीसी लिया और रिपे नहीं करा तो क्या कह रहे हैं आप? फॉर सपोज किसी ने बैंक से 1 लाख रुपए की सीसी ली और रिपे नहीं करा तो बेटा उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जाएगा। वैसे सीसी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, 1-1.5% का इंटरेस्ट है। अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, पेनल्टीज बढ़ती जाएगी, और तो कुछ नहीं। बैंक निकालने के लिए आप ही से लेगा, चार्जेस बढ़ाता जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रेड पेबल की बात हम लोग कर रहे थे। ट्रेड पेबल मतलब यहाँ पे बात होगी गुड्स और सर्विसेज के लिए। यहाँ पे भी वही क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल नाम सुनाई है आपने, पता ही है आपको क्या होता है, लेकिन ये केवल गुड्स और सर्विसेज के लिए, जिनसे आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदा है, जिसको जिनको आपको पेमेंट करना है इसी साल के अंदर अंदर, वो हम लोग शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल वाली सब हेडिंग में। ठीक है, फिर है अदर करंट लाइबिलिटी। एक बार अगर आप इतना एसेस ले लें तो अदर करंट लाइबिलिटीज में आइटम्स थोड़े ज्यादा आएंगे, तो मैं फिर वो लिखवा दूं। हटा दे, ले जाऊंगा आपके एसेस। चलिए जी, 10 आइटम्स आएंगे अब अदर करंट लाइबिलिटी में। एट नंबर का नोट टू अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जरा देखिएगा बेटा आप। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बेटा मैंने आपको शायद जो पीछे शॉर्ट टर्म बोरिंग में फर्स्ट वाला एग्जांपल बताया था ना, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, वो एक्चुअली मैंने इस चीज का बता दिया था, करंट मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाला पॉइंट क्या था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने कोई 5 इयर्स के लिए लोन लिया है, 4 इयर्स तक तो आप उसे लॉन्ग टर्म में शो करोगे है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करोगे, 5th ईयर में आप उसको अदर करंट लाइबिलिटी में शो करोगे है ना। अदर करंट लाइबिलिटी में करंट मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब लंबे समय के लिए जो लोन लिया था जो इस साल पेबल है उसे हम लोग यहाँ शो करेंगे। वो लोन रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब था जो लोन आपने किसी से ले रखा है, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जो फर्स्ट एग्जांपल लिख पाया था, जो लोन आपने ले रखा है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने आपको ये कहा है कि जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग करके ले लूंगा, उसे कहते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, डिमांड पे ही लोन का रीपेमेंट हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट नॉट अक्रूड बट ड्यू ऑन बोरिंग्स, एक सेकेंड रुकना, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू ऑन borrowings, थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू ऑन borrowings,
अदर करंट लाइबिलिटीज की हम लोग समझ रहे थे कि किस तरीके से एग्जांपल्स होंगे. करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हमने लिखा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स एक एक को एक्सप्लेन करना अभी ड्यू है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके बाद आता है फिफ्थ वाला जो इसका हेडिंग है अनपेड डिविडेंड. एग्जाम्पल्स हैं सारे इसके. सिक्स पॉइंटर्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन. सेवन पॉइंट है अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स. अनपेड, हाँ बेटा बोलो. नहीं सर, ब्लर हो रहा है. ब्लर हो रहा है, मुझे तो शो नहीं हो रहा है सब. ब्लर मेरे पास भी स्क्रीन. यस सर, सब मेरे भी हो रहा है. अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन. अभी हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, डोंट वरी. अगर ब्लर हो रहा है तो देखिए जी, मैंने कितने सारे आपके सामने रख दिए हैं. आपको हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा हो, इस वजह से आपको शो हो रहा हो ये वाली चीज. मैं बोल करके बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा. अभी तक मैंने सेवन लिखे हैं. करंट मेचोरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पहले मैं इनको समझा देता हूँ, फिर इनको हटा करके नेक्स्ट लिख लेंगे. एट भी लिख लेते हैं क्योंकि एट बिल्कुल सिमिलर है. अनपेड मेच्योर डिपोजिट है ना, यहाँ पे अनपेड मेच्योर डिवेंचर्स आ जाएगा. डिपॉजिट्स और डिवेंचर दोनों ही आएंगे. एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन. समझ रहे, ऐसे डेट जिनको आपने, ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपने लिया था, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि इस साल पे होनी है, उसे हम लोग बोलेंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. अदर करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू.